हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि इंटीरियर प्रोजेक्ट को किस ऑर्डर में हमें करना चाहिए, जिसमें मैंने आपको क्लाइंट मीटिंग्स या क्लाइंट और इंटीरियर डिज़ाइनर की मीटिंग्स के बारे में बताया था, किस मीटिंग में आपको क्या क्या इनपुट देने हैं। देन इसके बाद इलेक्ट्रिशियन के काम के बारे में मैंने आपको बताया था, प्लम्बर के वर्क के बारे में बताया था, डिमोलिशन प्लान एंड उसके बारे में नॉलेज दी थी। यहाँ तक मैंने ये भी बताया था कि बाथरूम टाइल्स का लगना, किचन प्लेटफॉर्म का बनना, किचन वॉल टाइल्स लगाना और विंडो फ्रेमिंग, डोर फ्रेम को बनाने तक का मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। इसके बाद अब जो पेंटिंग वर्क बचे हैं वो किस ऑर्डर में होने हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पेंटिंग वर्क में सारे फर्नीचर वर्क हमारा पेंटिंग वर्क है, फ्लोरिंग, बाथरूम वाटरप्रूफिंग, बाथरूम फ्लोर टाइल्स, बाथरूम फिटिंग्स का लगना, इलेक्ट्रिकल लाइट फिटिंग्स का लगना, काउ लाइट्स का लगना, स्विच बोर्ड का लगना, ग्रिल का ऑर्डर होना, स्लाइडिंग विंडोज का ऑर्डर होना, प्लेस होना और या लगना भी। तो सबसे पहला काम, जैसे किचन प्लेटफॉर्म, बाथरूम की वॉल टाइल्स, किचन की वॉल टाइल्स, और अगर कहीं आपने प्लान किया हुआ है लिविंग में या किसी बेडरूम में किसी जगह हाइलाइटर टाइल्स अगर लगानी हो, ये सब चीज़ें अगर कंप्लीट हो चुकी हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा अब जो होगा उसमें हम सबसे पहले फैब्रिकेटर को बुलाएंगे, ग्रिल फैब्रिकेटर को बुलाएंगे। स्लाइडिंग विंडो में रेलिंग करना है, बॉक्स ग्रिल करना है, ये सारी चीज़ें हम ऑर्डर प्लेस करेंगे क्योंकि इसमें 10-15 दिन का टाइम लगता है। साथ ही साथ पैरेलली हम स्लाइडिंग विंडो का ऑर्डर करेंगे। स्लाइडिंग विंडो में आप कौन सी विंडो पसंद कर रहे हैं, आपने जो प्लान किया है, साउंड प्रूफ किया है आपने, नॉर्मल 3-4 की विंडो की है आपने, ये ऑर्डर आप प्लेस करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको अभी फ्लोरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्या क्या ऑर्डर आपको प्लेस करने हैं, जिसमें लाइट फिटिंग के ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। जो आपको ऑर्डर करने के 2-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपको डिलीवरी मिलेगी या फिटिंग होगी साइड पर, तो लाइट फिटिंग है, स्विच बोर्ड्स हैं, ये ऑर्डर प्लेस कर दीजिए आप। साथ ही साथ किचन के शटर्स हैं जो मशीन मेड बनते हैं, मैं तो मशीन मेड ही सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट को, होम मेड जो हाथ से बनाए हुए किचन शटर इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं होती। तो मेरा सजेशन मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि आप मशीन मेड शटर्स बनवाइए। उसके साथ उसके जो ड्रॉवर्स हैं आप टैंडम यूज़ करते हैं, वायर बास्केट यूज़ करते हैं, जो भी वो भी ऑटो प्लेस कर दीजिए एज पर डिज़ाइन जो आपने डिज़ाइन प्लान किए हुए हैं दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ।